नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक बिना आपका वक्त जाया किए हुए। तो आज की जो वैकेंसी मैं आपको बताने वाला हूं वो है गवर्नमेंट जॉब 2017 SSC NWR। अब ये क्या हुआ भैया, तो आपको बता दूं ये एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो कि एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है बहुत सारे बच्चों के लिए, 12th 10th ग्रेजुएट ऑलमोस्ट, ठीक है। डिफेंस की जॉब्स भी इसमें आती हैं, सिविल जॉब इसमें आती हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं जिनके लिए ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है। इसकी मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं, ये है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नॉर्थन वेस्टर्न रीजन। तो आज जो वैकेंसी है वो है नॉर्थन वेस्टर्न रीजन की तरफ से जो निकली है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, मेल फीमेल दोनों ही। चलिए क्वालिफिकेशन सारा कुछ जानेंगे आहिस्ता, लेकिन वक्त लगेगा। टोटल वैकेंसी 66 है। अगर आप असिस्टेंट स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 वैकेंसी है, फार्मर मैनेजर 1, टेली ऑपरेटर 41 यानी कि स्टॉकमैन 5, और ये हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन ऑफिसर 9 पोस्ट है, जूनियर केमिस्ट 1 और क्लीनर के लिए 7 पोस्ट है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर पाएंगे ऑल ओवर इंडिया से। अब कहां पे सबसे पहले आपकी पोस्टिंग होगी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, नुरसिंहगढ़, कुछ ये है गुरुपुर, गुड़गांव, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे सबसे पहले आपकी इनिशियल जो पोस्टिंग होगी यहां पे हो जाएगी। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया कहां होती है वो वक्त ही जानेगा। तो कौन अप्लाई कर सकता है, इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इज सब्जेक्ट टू नेपाल, इज सब्जेक्ट टू भूटान। एंड ज्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको बता देता हूं ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है समझ आया क्या। तो पहले हम बात करेंगे क्लीनर की पोस्ट के लिए, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। स्टॉकमैन जूनियर ग्रेड के लिए 12वीं पास तो आप होने चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए लिव स्टॉक के, ठीक है। लिव स्टॉक का लाइव स्टॉक है, लिव स्टॉक है जो भी ये होता है आपको पता होगा, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के थ्रू या फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू या फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू। असिस्टेंट स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास और आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, और उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस जिसमें आपने मेंटेनिंग स्टोर का अकाउंट्स किया हो। फार्म मैनेजर डिग्री इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो ठीक है यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के थ्रू आपके पास डिग्री होनी चाहिए वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की। डिजायरेबल जो इनकी है वो है 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन पोल्ट्री फार्म। तो ये एक डिजायरेबल है, मैटर नहीं करता आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। 5वीं पोस्ट है हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन ऑफिसर। इसमें इन्होंने कहा है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसमें, इन डिजाइन या फिर फाइन आर्ट, फैशन, टेक्सटाइल, अपेरल प्रोडक्शन, इसमें से किसी में भी है तो चल जाएगी, और ऑफ 4 ईयर ड्यूरेशन, जिसमें 4 सालों की ड्यूरेशन होनी चाहिए पूरे कोर्स की, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू या फिर इंस्टीट्यूट के साथ, लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, यानी कि कॉटेज हैंडीक्राफ्ट का या फिर कॉटेज या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या फिर अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है इन फाइन आर्ट्स, फैशन आर्ट, टेक्सटाइल में, या फिर 3 सालों का और ड्यूरेशन होनी चाहिए, यानी कि उसकी 3 सालों की, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू भी चल जाएगा, बोर्ड के थ्रू भी चल जाएगा, इंस्टीट्यूट के साथ अगर है तो +2 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। जूनियर केमिस्ट की पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री चाहिए केमिस्ट्री में या फिर डेयरी केमिस्ट्री में या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी में या फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू ही। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो फिर आपके पास बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होनी चाहिए विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट में से, या फिर बैचलर ऑफ साइंस हॉनर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर इक्विवेलेंट इसके बराबर आपने 2 ईयर का एक्सपीरियंस किसी भी एनालिटिकल वर्क में है तो वो भी चल जाएगा। एज लिमिट, अगर आप पोस्ट असिस्टेंट स्टोर कीपर, फार्म मैनेजर, टेक्निकल ऑपरेटर, ड्रिलिंग स्टॉकमैन, जूनियर ग्रेड, क्लीनर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 27 साल है। अगर आप फॉर पोस्ट जूनियर केमिस्ट एंड हैंडीक्राफ्ट की प्रमोशन के लिए ऑफिसर की क्लिक करना चाहते हैं तो नॉट एक्सीडिंग 30 साल, और इन सभी पोस्टों के लिए एज लिमिट रिलैक्सेशन जो होती है एज पर रूल एंड गाइड आपको मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होगा,
लास्ट डेट इसकी 24 सितंबर 2017 है, उसके पहले पहले आपको ये फॉर्म लगाना है। स्टार्ट हो चुका है 25 अगस्त से। ये है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, जैसा कि मैंने आपको बताया ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप यहां पहुंचेंगे तो ये आपको अप्लाई करने का लिंक आएगा, यहां पे क्लिक करके आप अप्लाई करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, फुल डिटेल, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग, एलिजिबिलिटी, तो ये है वो डिटेल एडवर्टाइजमेंट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एक पीडीएफ आप डाउनलोड अपने लिए कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे ओपन हो गई है। ठीक है, अब रही बात अप्लाई ऑनलाइन करने की, तो बहुत जल्दी उसकी वीडियो आ जाएगी, निश्चित रहिए। तब तक के लिए वो जो रेड कलर का बटन है ना, उसे भैया सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बाकी उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगे आपको ये वीडियो किसी के काम की है तो भैया अगर मैंने आप तक पहुंचा दी तो आप भी थोड़ी ड्यूटी अपनी कर दो, सबकी मदद करो। आप किसी की मदद करोगे, आपकी कोई मदद करेगा तभी। ठीक है, तो बाकी आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, जिसपे आपको फास्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट मिलते रहेंगे। सिंपल फेसबुक पे सर्च कीजिए समझ आया क्या, क्योंकि वहां पे मैं रिटर्न आर्टिकल जो होता है पहले डाल देता हूं, जिसपे लिंक मिल जाता है जल्दी से अप्लाई करने का। बाकी आप हमारे YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसी तरह के वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए टाइम पे तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या।